अस्सलाम वालेकुम क्लास बीबी ए थर्ड। बेटा मेरा ये है आपके साथ लेक्चर नंबर टू, और लेक्चर नंबर टू का जो मेन टॉपिक है वो है मार्केटिंग प्लानिंग के बारे में। जो हमने लेक्चर नंबर वन में जो टॉपिक पढ़ा था वो था स्ट्रेटजिक प्लानिंग, जिसमें मैंने आपको स्ट्रेटजिक प्लानिंग की डेफिनेशन करवाई थी। इसके अलावा मैंने आपको स्ट्रेटजिक प्लानिंग को समझाने के लिए मैंने आपको BCG मैट्रिक्स समझाया था, और BCG मैट्रिक्स में मैंने आपको जिस कंपनी की एग्जांपल दी थी मैंने वो एप्पल कंपनी की आपको एग्जांपल दी थी, और एप्पल कंपनी के जो उनके प्रोडक्ट्स जो हैं मैंने उसमें आपको बताया था कि किस तरह से एप्पल ने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया, कब कब उसने प्लानिंग की और क्यों की, किस तरह की, किन रीजंस की वजह से की। और वो सारी की सारी प्लानिंग जो है वो पीछे नहीं पीछे मार्केट की वजह से थी, क्योंकि मार्केट में कस्टमर की डिमांड चेंज हो रही थी। तो बेटा आज हम बेसिकली पढ़ते हैं मार्केटिंग प्लानिंग के टॉपिक को, हम डिस्कस करते हैं। तो बेटा मार्केटिंग प्लानिंग और स्ट्रेटजिक प्लानिंग को आपने मिक्स नहीं करना है, ये दोनों डिफरेंट टॉपिक्स हैं। पेपर में आ जाए तो आपने बड़ा इस चीज़ को जो है ना वो सोच समझ के इस चीज़ को टैकल करना है कि ये एक्चुअली है क्या। बेटा मार्केटिंग प्लानिंग जो है, अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो मार्केटिंग प्लानिंग में बेसिकली अगेन वही दो चीज़ें जो मैं बार बार आपको कहती हूँ कि मार्केटिंग का मतलब क्या है, कि आपने अपने कस्टमर को बनाना है, ना सिर्फ बनाना है बल्कि उसके साथ आपने एक प्रॉफिटेबल, जो आपके कस्टमर्स हैं जो आपको प्रॉफिट दे रहे हैं, आपने अपने उन प्रॉफिटेबल कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप को बिल्टअप करना है और फिर उन रिलेशनशिप्स को मेंटेन भी रखना है, ठीक है। तो बेटा ये जो है ये आपका आ जाता है मार्केटिंग प्लानिंग की। फरूख हाशिम को ले आए बरूर, अच्छा बेटा इसमें जो है इसकी डेफिनेशन अगर मैं आप करूँ तो इसमें ये आता है कि इट इज़ डिफाइंड एज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट्स एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप्स विद देम। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा बेटा मेरा बेटा हाशिम जो है वो छोटा बेटा है मेरा, तो वो भी इस टाइम मेरे पास है, तो अगर उसके बीच में कहीं आवाज़ आ जाए तो आप उसको उसकी वजह से अपसेट ना होइएगा, ठीक है, क्योंकि वो भी अभी मेरे पास ही है। अच्छा बेटा जो मार्केटिंग प्लानिंग की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है, अगेन वही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था कि इट इज़ डिफाइंड एज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट्स। टारगेट मार्केट्स का मतलब ये कि आपके जो टारगेटेड कस्टमर्स हैं, आपने अपने कस्टमर्स को चूज़ करना है, यानी कि अपने कस्टमर्स को बनाना है, एंड देन बिल्डिंग रिलेशनशिप्स विद देम, और अपने जो प्रॉफिटेबल कस्टमर्स हैं जो आपको प्रॉफिट दे रहे हैं, जो आपके लॉयल कस्टमर्स हैं, आपने उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप्स को भी बिल्टअप करना है। अगर आप में से मोस्टली वो स्टूडेंट्स, मेल स्टूडेंट्स को ज़रा ज़्यादा पता होगा क्योंकि वो ज़रा बिजनेस में बाहर निकलते रहते हैं मार्केट्स में, तो उनको पता होगा कि जो बिजनेसेस हैं वो रिलेशनशिप की बुनियाद पे ही जो है वो मेंटेन रहते हैं जी बेटा, रिलेशनशिप की बुनियादों पे ही जो है वो बिजनेसेस चलते हैं। तो ये रिलेशनशिप को मेंटेन करना और अपने प्रॉफिटेबल कस्टमर्स को बनाना, ये मार्केटिंग प्लानिंग में आपका आ जाता है। अच्छा बेटा फिर मार्केटिंग प्लानिंग में जो तीन मेन टॉपिक हैं, जो आपके बेसिक टॉपिक हैं, उनको हमने पढ़ना है। बेटा उसमें जो है सबसे पहले कि आपको टारगेट मार्केट का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है, कि टारगेट मार्केटिंग का क्या मतलब है, ठीक है। उसके बाद मार्केट सेगमेंटेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, मार्केट सेगमेंटेशन क्या होती है, ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो थर्ड टॉपिक है वो है आपका मार्केट मिक्स का, कि मार्केट मिक्स क्या चीज़ है। अच्छा अब हम इन तीनों टॉपिक्स की डिटेल की तरफ चलते हैं, लेकिन इनमें जो सबसे पहले यानी कि जो सबसे छोटा जो कॉन्सेप्ट है ना वो है मार्केट सेगमेंटेशन का, उसके बाद आता है टारगेट मार्केटिंग, और उसके बाद आता है मार्केट मिक्स। इस वजह से हम जो पहले है वो मार्केट सेगमेंटेशन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि मार्केट सेगमेंटेशन का क्या मतलब है। अच्छा बेटा यहाँ पे मैंने मार्केट सेगमेंटेशन का टॉपिक हमारा शुरू हो गया है। तो सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, सेगमेंट का मतलब होता है, सेगमेंटेशन का मतलब होता है पार्टीशन, यानी कि किसी चीज़ का पार्ट्स में होना, ठीक है। अब अगर आप न्यूज़ जब आप सुनते हैं न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, जब आप न्यूज़ को सुन रहे होते हैं तो उनमें भी देखें तो उन्होंने सेगमेंट्स बनाए होते हैं, ये हमारा स्पोर्ट का सेगमेंट है, ये हमारा वेदर का सेगमेंट है, ये हमारा करंट जो अफेयर्स हैं उनका सेगमेंट है, ये हमारा एक्टर्स की इन्फॉर्मेशन का सेगमेंट है। तो यानी कि उन्होंने अपनी पूरी एक डेढ़ या आधे घंटे की जो न्यूज़ होती है उसको भी सेगमेंट्स में जो है वो डिवाइड किया हुआ होता है। बेटा इसी तरह से आपकी जो मार्केट होती है वो भी सेगमेंट्स में होती है, वो भी हिस्सों में डिवाइडेड हुई हुई होती है, ठीक है। और उनके जो कस्टमर्स होते हैं, फिर जिस सेगमेंट के कस्टमर होते हैं वो आपका टारगेटेड सेगमेंट होता है, ठीक है। हाशिम नो बेटे नो, अच्छा
अब बेटा इसमें जो है वो आपका जो इसकी अगर मैं डेफिनेशन की तरफ चलूँ तो मार्केट सेगमेंटेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग मार्केट्स इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ बायर्स। क्योंकि मार्केट में आपके बायर्स होते हैं, आपके कस्टमर्स होते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने अपनी मार्केट्स को जो है वो हाशिम आप अपनी कार के साथ जाओ, हाशिम की कार तो है, तो आपने जो है वो अपने कस्टमर्स को जो है, अपने बायर्स को जो है वो डिस्टिंक्ट ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड कर लेना है, और जो बायर जिस सेगमेंट से रिलेट करता होगा वो आपकी मार्केट सेगमेंट होगा, ठीक है। अच्छा बेटा, अब ये बायर्स की ग्रुपिंग किन बेसिस पे होती है, हु हैव द डिफरेंट नीड्स, उनकी डिफरेंट नीड्स की बेस पे, डिफरेंट डिमांड्स की बेस पे, डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे एंड डिफरेंट बिहेवियर्स की बेसिस पे, ठीक है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपकी क्लास में ग्रुप बनते हैं ना, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, अब उन ग्रुप ए में जो आपके स्टूडेंट्स आते हैं उनका बिहेवियर, उनका मेंटल लेवल, उनकी नीड्स, उनकी डिमांड्स डिफरेंट होती हैं। ग्रुप बी में आने वाले स्टूडेंट्स की नीड्स, बिहेवियर, डिमांड और उनकी उनकी करेक्टरिस्टिक्स वो डिफरेंट होती हैं। इसी तरह से आपके कस्टमर्स भी होते हैं, ठीक है। और वो कस्टमर्स एंड हु, और वो कस्टमर्स हु मे रिक्वायर सेपरेट प्रोडक्ट एंड द मार्केटिंग प्रोग्राम्स, और वो बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स जिनके जो 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 हैं वो सेपरेट आपके लिए मार्केटिंग प्रोग्राम्स रिक्वायर करते हैं। लाइक बेटा जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो हमारे ब्लाइंड लोग हैं, जो नाबीना लोग हैं, या ऐसे लोग जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके लिए जो है वो अभी तक, यानी कि वो भी तो बहुत सारे नंबर ऑफ़ कस्टमर्स हो सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारा कोई एडवर्टाइजमेंट सिस्टम या अभी तक किसी कंपनी ने उन कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए किसी भी किस्म की कोई एडवर्टाइजमेंट पे काम नहीं किया, तो कुछ ऐसे भी कस्टमर्स होते हैं जो आपसे डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट रिक्वायर करते हैं, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम्स रिक्वायर करते हैं, तो उन सारे कस्टमर्स की डिफरेंट बेसिस के ऊपर जो है वो आपकी मार्केट के सेगमेंट्स भी डिफरेंट हो जाते हैं, और जो कस्टमर जिस सेगमेंट से बिलोंग करता है वो आपका जो है वो मार्केट सेगमेंटेशन में चला जाता है। अब बेटा यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी है क्लासरूम की, जो कि मैंने पहले भी आपको कह दिया कि क्लासरूम में ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, जिस तरह से डिफरेंट स्टूडेंट्स को जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, इसी तरह से जो है वो यहाँ पे आपके यानी कि मार्केट्स के अंदर भी आपके कस्टमर्स को जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है। अब बेटा यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी हुई है आपकी, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी थी जब मैंने आपकी जूम क्लास ली थी, तो जूम क्लास में मैंने आपको ऑटोमोबाइल्स की एग्जांपल दी थी, ठीक है। अब जब लोग गाड़ी परचेज करना, हर गाड़ी परचेज करने वाला एक कंज्यूमर है, लेकिन कुछ कंज्यूमर जो होते हैं वो जब गाड़ी परचेज करना चाह रहे होते हैं वो चाहते हैं कि यार हम बड़ी गाड़ी परचेज करें, क्योंकि उनका मकसद क्या होता है कि हमने कमर्शियल यूज़ के लिए गाड़ी परचेज करनी है, पिक एंड ड्रॉप के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, या जो ये सप्लाई वगैरह करते हैं। अब उनकी जो डिमांड होती है गाड़ी की परचेजिंग के मामले में, वो एक फैमिली परचेजर जो कि अपनी फैमिली के लिए गाड़ी परचेज करता है, उससे उसकी डिमांड्स और नीड्स जो होती हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं। तो इस तरह से ये कस्टमर जो है वो एक डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में चला जाता है, और फैमिली परचेजिंग का कस्टमर जो है वो डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में चला जाता है। इसी तरह से कुछ जो बायर्स होते हैं वो कहते हैं कि हम जितनी मर्ज़ी एक्सपेंसिव गाड़ी आ जाए, लेकिन गाड़ी जो है ना वो कंफर्टेबल होनी चाहिए, उसका जो इंजन है ये वो, मतलब जो भी ड्राइवरी की ये सही बातें ड्राइवर्स को ज़्यादा पता होता है, लेकिन वो कंफर्टेबल गाड़ी चाह रहे होते हैं कि हमारी जो गाड़ी है ना वो ऑयल की कंजम्पशन के लिहाज से, उसके सिस्टम्स के लिहाज से ना वो बड़ी कंफर्टेबल सी रहे। तो ये इस नेचर के कस्टमर जो हैं वो अलग सेगमेंट में आ जाते हैं। कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जो प्राइस को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, यानी कि वो कम प्राइस में अच्छी चीज़ लेना चाह रहे होते हैं, तो इस किस्म के जो कस्टमर होते हैं वो दूसरे सेगमेंट में लाइक करते हैं। तो बेटा इस तरह से कार परचेजिंग में मैंने आपको दूसरी एग्जांपल दी। अब थर्ड एग्जांपल जो है वो टूथपेस्ट के लिहाज से, ये मैं बार बार आपको बहुत दफ़ा एग्जांपल दे चुकी हूँ कि टूथपेस्ट कहने को तो एक प्रोडक्ट है, लेकिन उसमें देखें कि अगर आप कोलगेट की बात करते हैं तो कोलगेट का मोटिव क्या है, सेहतमंद दांत, मजबूत दांत, सेहतमंद मसूड़े, ठीक है। यानी कि कोलगेट ने जिन कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया है वो उसका मार्केट सेगमेंट क्या है, कि ये हमारी प्रोडक्ट उन लोगों के लिए है जिन लोगों के मजबूत दांत जो चाहती हैं और सेहतमंद मसूड़े चाहते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं क्लोज़अप की बात करूँ तो क्लोज़अप ने फ्रेशनेस वाले कस्टमर्स को जो है वो ज़्यादा टारगेट किया है। अगर मैं सेंसोडाइन की बात करूँ तो सेंसोडाइन ने सेंसिटिविटी वाले कस्टमर्स को जो है वो ज़्यादा टारगेट किया है। यानी कि एक ही प्रोडक्ट में भी आप देखें कि डिफरेंट सेगमेंट्स हैं,
तो फिर इतनी प्रोडक्ट्स हैं, उनके कितने सेगमेंट्स हैं, तो ये फिर ये सारा आपके बिज़नेस के मार्केटर्स ने चूज़ करना होता है कि यार हमारा मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, और फिर जो आपका मार्केट सेगमेंट होता है वो आपके टारगेटेड कस्टमर या टारगेटेड मार्केट होती है। ठीक है, अब हम टारगेटेड मार्केट की तरफ चलते हैं। तो बेटा टारगेटिंग मार्केटिंग का या टारगेट कस्टमर्स का कॉन्सेप्ट क्या है? अच्छा बेटा, अब टारगेटिंग मार्केटिंग या कस्टमर टारगेट, ये दोनों सेम टर्म के नाम हैं, ये दोनों नाम जो हैं ये सेम टर्म के हैं, जिनके जाहिर सी बात है जिस मार्केट से आपका कस्टमर बिलोंग करेगा वही आपकी टारगेटेड मार्केट होगी और वही टारगेटेड कस्टमर होगा। अच्छा बेटा, इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन ये है कि मीन्स ऑफ इवेल्यूएटिंग ईच मार्केट सेगमेंट। मैंने पहले कहा कि मार्केट सेगमेंट सबसे छोटा पोर्शन है, उसके बाद आपकी टारगेटिंग मार्केट आती है और उसके बाद मार्केट मिक्स आता है। तो जब आपने मार्केट सेगमेंट को इवेल्यूएट कर लिया तो इट मीन्स आपको आपको ये पता चल गया कि आपकी टारगेटिंग मार्केट कौन सी है। अट्रैक्टिवनेस एंड सेलेक्टिंग वन और मोर मार्केट सेगमेंट्स टू एंटर। फिर इसमें आपने डिसाइड करना होता है कि हमने एक मार्केट सेगमेंट को टारगेट करना है, हमने दो मार्केट सेगमेंट को टारगेट्स करना है, हमने तीन को करना है। ठीक है, इसी तरह से देखिए मार्केट सेगमेंटेशन में, टारगेटिंग मार्केटिंग में ये मैंने आपको एग्जांपल दी थी, ये बेसिकली जो है ये टारगेटेड कस्टमर की या टारगेटेड मार्केट की एग्जांपल है, जिसमें कोलगेट ने सेहतमंद दांत, मजबूत दांत, सेहतमंद मसूड़े, ठीक है, यानी कि उसने अपनी एडवर्टाइजमेंट में बताया, ज़ाहरी तौर पे बताया कि ये हमारे कस्टमर्स हैं और उनके लिए हमारी जो है ये प्रोडक्ट है, ये हमारे टारगेटेड कस्टमर्स हैं। इसके बाद अगर आप सेंसोडाइन की तरफ चले जाएं तो सेंसोडाइन ने सेंसिटिविटी वाले, यानी कि ठंडा और गर्म जो उनके कस्टमर्स हैं उनको अट्रैक्ट किया। अगर आप क्लोजअप की तरफ चले जाएं तो फ्रेशनेस यानी कि ताज़ा सांस, उसने जो है उसको अट्रैक्ट किया। इसके अलावा मैंने आपको क्लास में एग्जाम्पल दी थी उसकी, मैग्नम चॉकलेट की एग्जाम्पल दी थी, और इसके अलावा भी मैंने आपको काफ़ी एग्जाम्पल्स दी थी। तो बेटा ये हर कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट बनाने से पहले डिसाइड करती है कि हमारा प्रोडक्ट किन कस्टमर्स के लिए होगा और हमने किन कस्टमर्स को टारगेट करना है। अब जो बच्चों के प्रोडक्ट्स होती हैं वो बड़ों के प्रोडक्ट नहीं हो सकती, यानी बच्चों के लोशन, उनके सॉप्स, उनकी उनके शैम्पूस वगैरह जो हैं वो बड़े नहीं यूज़ कर सकते। तो उन कंपनीज़ की टारगेटेड मार्केट क्या है, वो चिल्ड्रन हैं यानी कि छोटे किड्स हैं। तो बेटा ये आपका कॉन्सेप्ट है टारगेटिंग मार्केट का। बेटा इसके बाद जो है वो आपका जी अच्छा बेटा, अब हम आगे चलते हैं मार्केट मिक्स में, कि मार्केट मिक्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। बेटा ये मिक्स है, मिक्स का मतलब ये कि ये बेसिकली सेट ऑफ टूल्स है। ठीक है, मार्केट मिक्स में, मार्केट मिक्स इज़ अ सेट ऑफ टेक्टिकल मार्केट टूल्स, चलिए आप टेक्टिकल को भी छोड़ दें, ये मार्केट टूल्स हैं दैट अ फर्म यूजेस, और इन टूल्स को एक फर्म इस्तेमाल करता है। फर्म मीन्स कि एक बिजनेस इस्तेमाल करता है टू प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स, वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए जो वो चाहता है। ठीक है, टू प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स इट वांट्स इन द टारगेट मार्केट, यानी कि वो अपने कस्टमर्स से जिस किस्म का रिस्पॉन्स चाहता है वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए वो जो टूल्स को, जिन टेक्निक्स को यूज़ करेगा वो आपके मार्केट मिक्स में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा बेटा, अब मार्केट मिक्स में बेसिकली कि मैंने आपको पहले बताया कि ये सेट ऑफ टूल्स है, तो इसमें बेसिकली जो हैं वो आपके फोर सेट ऑफ टूल्स आ जाते हैं, फोर सेट ऑफ टूल्स आ जाते हैं। हाशिम बेटे, मामा को चाहिए पेंसिल? अच्छा बेटा, अब इसमें जो है वो सबसे पहला जो आपका टूल है वो है एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस में मैंने आपको करवाया था स्वॉट एनालिसिस। ठीक है, स्वॉट एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के बारे में। अब पेंसिल जो है वो मेरा बेटा ले गया है, तो दैट्स व्हाई मुझे जो है वो हाथ से काम चलाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास और कोई पेंसिल भी नहीं है। हाशिम, मामा को पेंसिल दे दे। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा बेटा, इसमें जो है मैंने आपको स्वॉट एनालिसिस करवाया था, जिसमें स्वॉट SW जो हैं वो इंटरनल फैक्टर्स हैं किसी भी बिजनेस के, और OT यानी कि अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स जो हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं किसी भी बिजनेस के। स्वॉट में क्या दिखता है, हर बिजनेस अपनी स्ट्रेंथ को देखता है। वीकनेसेस में हर बिजनेस अपनी वीकनेस को देखता है कि आप उसकी कौन कौन सी वीकनेस है, किस वीकनेस की वजह से वो अपना पिछला टारगेट नहीं अचीव कर पाई और अब उस वीकनेस को जो है वो कैसे कवर अप करना है। ठीक है, इसके बाद जो है वो आपकी अपॉर्चुनिटीज़
की बात आ जाती है कि आपकी जो हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं ये चूँकि एक्सटर्नल मार्केट से मिलती हैं ये अपॉर्चुनिटीज़, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो कौन सी हैं, कब एक बिज़नेस ने उन्हें कैप्चर करना है, कब उनको रियलाइज़ करना है, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपकी अपॉर्चुनिटी में आ जाती हैं। एंड देन बेटा आपके पास आ जाते हैं थ्रेट्स, ठीक है। थ्रेट्स भी जो हैं वो हमेशा आपको बाहर यानी कि मार्केट से मिलते हैं, आपके जो है वो आपके कंपेटिटर की तरफ से आपको मिलते हैं। तो बेटा ये भी जो होते हैं ये एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं आपके, ठीक है। अच्छा बेटा इसके बाद जो है बेसिकली ये आप एनालिसिस में जो चीज़ आप करते हैं वो आप करते हैं अपना स्वॉट एनालिसिस करते हैं, यानी कि एक मार्केटर हर लिहाज से देखते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, किन किन अपॉर्चुनिटीज़ को हमने रियलाइज़ करना है, कब कब करना है। यही ना हो कि अपॉर्चुनिटी आई हो और वो आप उसको कैप्चर ना कर पाएँ अपनी किसी वीकनेस की वजह से और वो आपके हाथ से निकल जाए, ठीक है। तो फिर ये सारी प्री प्लान जो हैं ये मार्केटर्स को चीज़ें रखनी पड़ती हैं मार्केट के लिहाज से, और फिर इन पे फौरन जो है वो एक्शंस भी लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो बेटा एनालिसिस में बेसिकली आप ये स्वॉट एनालिसिस करेंगे। उसके बाद जब आप प्लानिंग की बात करते हैं तो बेटा प्लानिंग में जब आप बेसिकली प्लानिंग की बात करते हैं तो प्लानिंग किन बेसिस पे होती है, प्लानिंग होती है कस्टमर की नीड बेस पे, उसकी वांट की बेस पे और उसकी डिमांड की बेस पे, ठीक है। जाहिर सी बात है आप अपने कस्टमर की नीड को देख के प्लानिंग करते हैं, आप अपने कस्टमर की वांट्स को देख के प्लानिंग करते हैं, आप अपने कस्टमर्स की डिमांड को देख के प्लानिंग करते हैं। तो बेटा ये जब आप पूरी प्लानिंग कर रहे होते हैं तो इसमें आप जो है मार्केट प्लान्स भी बनाते हैं। मार्केट प्लान्स में आप ये देखते हैं कि आपने आपके टारगेटेड कस्टमर्स कौन से होंगे, आपने किस तरह से कस्टमर्स को टारगेट करना है, किन बेसिस के ऊपर करना है, आपकी एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या ऐसे अट्रैक्टिव पॉइंट्स होने चाहिए जो आपके कस्टमर्स को टारगेट करें। बेटा इसके बाद जो है वो अपने प्रोडक्ट प्लान बनाने हैं कि आपके प्रोडक्ट का डिज़ाइन क्या होगा, क्वालिटी क्या होगी, क्वांटिटी क्या होगी, कितने ग्राम्स आप कितने प्राइस पे देंगे, ये सब चीज़ें जो है वो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में प्लान करनी होती हैं। इसके बाद ब्रांड प्लान्स होते हैं कि आपने अपने प्रोडक्ट को एक नॉर्मल एक प्रोडक्ट से हट के उसको ब्रांड लेवल पर कैसे लेकर जाना है। तो ये पूरी की पूरी जो है वो ये ब्रांड प्लानिंग भी इसी का हिस्सा है, ठीक है। बेटा उसके बाद आपका जो फोर्थ पॉइंट है वो चला जाता है आपका इम्प्लीमेंटेशन पे। इम्प्लीमेंटेशन क्या है कि इट टर्न्स द प्लान्स इनटू एक्शंस, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है, इम्प्लीमेंट करना यानी कि अमल में चीज़ें लेके आना। तो इसमें आपने ये जो सारी ऊपर एनालिसिस की है प्लानिंग की, आपने इन सारे प्लान्स को जो है वो प्रैक्टिकली करना होता है। तो जब आप एक दफ़ा चीज़ों को सिर्फ जब तक आपने उसको डॉक्यूमेंट्स बना के पेपर पे लिख दिया ना, आपको नहीं पता चलेगा कि उसकी वीकनेस क्या है, उसमें क्या वीक पॉइंट है। लेकिन जब आप उनको प्रैक्टिकली करना शुरू करते हैं तो देन एक्चुअली यू केम टू नो कि अच्छा यार यहाँ पे ज़रा हमसे प्लानिंग कमज़ोर मतलब वीक प्लान किया है हमने, इस प्लानिंग पॉइंट को हमने इस तरह से चेंज करते हैं हम, और यहाँ पे अब हमने प्लान ए नहीं प्लान बी यूज़ करना है। वही सेम कॉन्सेप्ट जो अब मैंने आपको स्ट्रेटजी में दिया था, ठीक है। तो बेटा उसके बाद जब आप एक दफ़ा इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो उसके बाद आपका क्या शुरू हो जाता है, आपका कंट्रोल शुरू हो जाता है, ठीक है। कंट्रोल में आप क्या करते हैं कि मेजरिंग एंड इवेल्युएटिंग रिजल्ट्स, आप क्या करते हैं आप अपनी वो उन सारे प्रैक्टिकली चीज़ों से जो आपको रिजल्ट्स आ रहे होते हैं आप उनको इवेल्युएट करते हैं, और फिर जहाँ भी आपको लगता है कि मुझे चीज़ों को करेक्टिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है, कुछ गलत पॉलिसीज बन गई हैं, गलत डिसीजंस लिए गए हैं, गलत स्ट्रेटजिक प्लानिंग हो गई है, तो वहाँ पे उन सब गलत जो आपके हिस्से हैं आपकी प्लानिंग के, पॉलिसीज के, स्ट्रेटजिक प्लानिंग के, उनको कैसे ठीक करना है, किस तरह से ठीक करना है, फिर उस पर आपने जो है वो करेक्टिव मेजर्स भी जो है वो लेनी होती हैं, ठीक है। तो बेटा ये था आपका लेक्चर नंबर 2 जो कि यहाँ पे एंड अप होता है। अब इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करते हैं, और अगर आपको किसी भी चीज़ की नहीं समझ आई हो तो आपने मेरे से जो है वो पूछ लेना है।